वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान स्टूडेंट्स। आज हम एमएलटी एमसीक्यू सीरीज का सेकंड पार्ट देखेंगे और मैं आपके लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन क्रीम बिल्कुल जिसे कहते हैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ। 15 क्वेश्चन हम देखेंगे, तो देखते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, विच एंटीबॉडी इंडिकेट्स इंट्रा यूट्रीन इन्फेक्शन इन द फीटस। इंट्रा यूट्रीन इन्फेक्शन को पता लगाने के लिए एक फीटस में हम कौन सी एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं। इंट्रा यूट्रीन इन्फेक्शन स्टूडेंट्स वो होता है जिसमें कि आपका जो बेबी होता है प्रेगनेंसी में, जो बेबी जिस आपकी लेयर के अंदर होता है, जिस मैम्ब्रेन के अंदर होता है, वो आपकी मैम्ब्रेन जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है। उस इन्फेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंट्रा यूट्रीन इन्फेक्शन। तो उस इन्फेक्शन के दौरान आप कौन सी एंटीबॉडी का चेक करते हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए। तो इसका आपका ऑप्शन है IgG, IgA, IgD और IgM। तो इसका आपका आंसर होगा IgM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच बैक्टीरिया आर फाउंड कॉमनली इन मिल्क। आपके मिल्क में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है। इसका आपका आंसर होगा कॉलीफॉर्म बैसिलाई। लैक्टोबैसिलाई आपका किसमें होता है, दही में, लेकिन मिल्क में कौन सा होगा, कॉलीफॉर्म बैसिलाई। ओके, याद रखना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टेक्निक यूज्ड टू डिफरेंशिएट हुकवॉर्म स्पीशीज। कौन सी टेक्निक को हम यूज करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए हुकवॉर्म स्पीशीज को। जिंक सल्फेट टेक्निक, बर्मन टेक्निक, फ्लोटेशन टेक्निक या फिर कल्चरिंग टेक्निक। तो इसका आपका आंसर होगा कल्चरिंग टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बेवल एंगल ऑफ द माइक्रोटोम नाइफ इज। हमारा जो माइक्रोटोम का जो नाइफ होता है जो कि टिश्यू को कट करने के लिए यूज करा जाता है, उसका एंगल कितना होता है, या फिर आपका उसका एंगल कितना होना चाहिए, कितने एंगल पे वो सेट होना चाहिए। 27 से 32 डिग्री पे, 32 से 39 डिग्री पे, 42 से 47 डिग्री पे या फिर 52 से 57 डिग्री पे। तो इसका आपका आंसर होगा 27 टू 32 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर इज ऑल्सो नोन एज येलो फाइबर। इनमें से कौन सी फाइबर को हम येलो फाइबर के नाम से भी जानते हैं। कोलेजन फाइबर, रेटिकुलर फाइबर, इलास्टिक फाइबर या फिर इनमें से सभी के सब। तो इसका आपका आंसर होगा इलास्टिक फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर एम्ब्रियो विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेटिव आर यूज्ड। एम्ब्रियो के लिए कौन सा फिक्सेटिव हम यूज करेंगे अगर हम उसको फिक्स करना है तो। बॉविंस फ्लूड, जेंकर्स फ्लूड, कैडनोइस फ्लूड या फिर हैलिस फ्लूड। तो इसका आपका आंसर होगा बॉविंस फ्लूड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। एम्ब्रियो को अगर आप फिक्स करेंगे तो बॉविंस फ्लूड में ही करेंगे। ओके, वट इज द लीस्ट काउंट ऑफ हीमोग्लोबिन परसेंटेज इन शालीस हीमोग्लोबिनोमीटर। हमारा जो शालीस हीमोग्लोबिनोमीटर होता है जिससे हम HB का पता लगाते हैं, उसमें लीस्ट काउंट कितना आता है, सबसे कम अमाउंट आपका जो काउंट है वो कितना आ सकता है। 1 ग्राम पर डेसीलीटर, 2 ग्राम पर डेसीलीटर, 3 ग्राम पर डेसीलीटर या फिर 4 ग्राम पर डेसीलीटर। तो इसका आपका आंसर होगा 2 ग्राम पर डेसीलीटर। डैश मेनिस्कस इज कंसीडर्ड इन शालीस ट्यूब फॉर रीडिंग ड्यूरिंग HB एस्टिमेशन। HB का अगर हम टेस्ट लगा रहे हैं शालीस पिपेट मेथड से, शालीस ट्यूब में पिपेट मेथड से अगर हम लगा रहे हैं, तो उसमें हम मेनिस्कस जो होता है, मेनिस्कस आप कौन सा देखेंगे, अपर मेनिस्कस, लोअर मेनिस्कस, बोथ ऑफ द अबव, यानी कि ये दोनों मेनिस्कस देखेंगे आप, अपर और लोअर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं देखोगे। तो इसका आपका आंसर होगा अपर मेनिस्कस। ओके,
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थ्रोम्बोपोइटिन इज सिक्रेटेड बाय, आपका जो थ्रोम्बोपोइटिन है वो कहां से सिक्रेट होता है? पैनक्रियास से, लिवर से, किडनी से या फिर बोन मैरो से? तो इसका आपका आंसर होगा लिवर। जो आपका थ्रोम्बोपोइटिन है वो लिवर प्रोड्यूस करता है। द साइटोप्लाज्म ऑफ द इसिनोफिल इज, इसिनोफिल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसा होता है? एसिडोफिलिक होता है, बेसोफिलिक होता है, न्यूट्रोफिलिक होता है या फिर सभी होते हैं? फिलिक मतलब बच्चों, फिलिक मतलब लविंग, एसिड लविंग, बेस लविंग, न्यूट्रल राइल लविंग, ठीक है। तो आपका जो है वो कौन सा लविंग है, ये कौन सा फिलिक है? तो इसका आपका आंसर होगा एसिडोफिलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मल एचडीएल और एलडीएल रेशियो कितना होता है? 1:2, 2:1, 1:3 या फिर 3:1? तो इसका आपका आंसर होगा 1:2। इसको आप ध्यान से याद रख लीजिएगा, एचडीएल और एलडीएल, इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, एलडीएल पहले लगा दें, एचडीएल पीछे कर दें, तो कैसे करोगे याद? तो याद रखो ये एल है एक, ठीक है, एक ये एल है आपका और आपका दूसरा ये एल है, तो दो एल किसमें आ रहे हैं, जिसमें दो एल आ रहे हैं यानी कि उसका नंबर भी दो होगा, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख लेना। ओके, एचडीएल में सिंगल एल आता है, उसमें सिर्फ इसमारे एक होगा, ठीक है, इसमें दो आते हैं, इसमें इसमारे इसका दो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन शुगर केन, आपका जो शुगर केन होता है, जो गन्ना होता है, उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ग्लूकोस, गैलेक्टोस, फ्रुक्टोस या सुक्रोस? तो इसका आपका आंसर होगा सुक्रोस। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू डिटेक्ट द बाइल पिगमेंट, इनमें से कौन से मेथड को हम यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए बाइल पिगमेंट को? हीट कोगुलेशन टेस्ट, फाउचेट टेस्ट, रोथ्रास टेस्ट या फिर बेंजेडिन टेस्ट? तो इसका आपका आंसर होगा फाउचेट टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फॉलोइंग स्मोकी यूरिन मे बी सीन, इनमें से कौन से ऑप्शन में, कौन से डिसीज में आपको स्मोकी यूरिन दिखता है या दिख सकता है? डायूरेटिक इंटेक, डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज इंसिपिटस या फिर नेफ्राइटिक सिंड्रोम? तो इसका आपका आंसर होगा नेफ्राइटिक सिंड्रोम। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ डेली रिक्वायरमेंट ऑफ पोटेशियम, पोटेशियम हमको डेली कितना कम से कम चाहिए होता है? 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम या फिर 4 ग्राम? तो इसका आपका आंसर होगा 4 ग्राम। ओके, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो थी छोटी सी आपके एमएलटी एमसीक्यू क्वेश्चन की सीरीज की। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मेरे को कि आपको क्या चाहिए, आपको कैसा लगी वीडियो, आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे कि नहीं लगे, आपको इससे हार्ड क्वेश्चन चाहिए या फिर इससे थोड़ा नॉर्मल क्वेश्चन चाहिए या फिर मिक्स्ड, जैसे अभी मैंने डाले कि इसमें एक दो क्वेश्चन जो थे वो थोड़े हार्ड थे, बाकी एवरेज थे, ठीक है। लेकिन जो आपके क्वेश्चंस हैं सारे सारे क्रीम है, ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में आ रखे हैं। ओके, वो भी एक बार नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स में आ रखे हैं और मैं कोशिश करूंगा और भी ज्यादा एग्जाम पेपर्स आपके लिए लेके आऊं मैं कहीं से ढूंढ ढूंढ के। ओके, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।